बड़ा सुंदर भजन का भाव है, मैं चाहूंगा इस भजन में साथ जरूर दीजिएगा। आज भगवान का जन्म हुआ है, नंद भवन में उत्सव मन रहा है और सभी सखी गा रही है। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया, 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 दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। भाई, मैं भजन तो गा रहा हूं कुंदन भाई, मैं भजन तो गा रहा हूं लेकिन बधाई लेके जाऊंगा। बधाई गीत ऐसे नहीं गाया जाता है, बधाई लिया जाता है। तो कुंदन भाई से कहना चाहूंगा, टीका भी लूंगी मैं तो बिंदिया भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैं तो बिंदिया भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैं तो बिंदिया भी लूंगी। कुंदन भाई, ये वाली बधाई नहीं चाहिए, वो बधाई भगवान ने बहुत दिया है, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बहुत भगवान ने दिया है। मैं चाहूंगा कि भगवान के भजन में बधाई चाहिए और बधाई ताली के रूप में चाहिए। अगर ताली की गड़गड़ाहट इस भजन में हो गई तो मैं सोचूंगा कि मुझे बधाई, और अगर आपने ताली नहीं बजाई तो मैं बजाइएगा तो मैं सोचूंगा कि मैं खाली हाथ दिल्ली वापस जा रहा हूँ। दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी ताली के साथ, टीका भी लूंगी मैं तो बिंदिया भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैं तो बिंदिया भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैं तो बिंदिया भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैं तो बिंदिया भी लूंगी। और रेशम की लूंगी रजाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। रेशम की लूंगी रजाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। माताएं आगे हैं, आपसे भी कुछ कहना चाहता हूं। साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी, 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 साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी। इतना ही नहीं,
धोती भी लूंगी मैं तो कुर्ता भी लूंगी, धोती भी लूंगी मैं तो कुर्ता भी लूंगी, पगड़ी की होगी चढ़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई, पगड़ी की होगी चढ़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। हार भी लूंगी मैं तो चूड़ी भी लूंगी कंगना की होगी चढ़ाई, कंगना की होगी चढ़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई, यशोदा दे दे बधाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। जुग जुग जिया सुललनवा, बोलो बाके बिहारी लाल की, जुग जुग जिया सुललनवा, भवन वाके भाग जागल हो, जुग जुग जिया सुललनवा, भवन वाके भाग जागल हो, ललना लाल होई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो, ललना लाल होई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो, जुग जुग जिया सुललनवा, भवन वाके भाग जागल हो, जुग जुग जिया सुललनवा, भवन वाके भाग जागल हो, ललना लाल होई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो, ललना लाल होई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो। मिठी मिठी ताली का सहयोग हो जाए तो आनंद आ जाए। के दिन वा सुहावन रतिया लुभावन हो, आज के दिन वा सुहावन रतिया लुभावन हो, ललना दीदिया के
होरिला जन्म ले होरिलवा बड़ा सुंदर हो लरना दीदी आके होरिला जन्म ले होरिलवा बड़ा सुंदर हो जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो लरना डाल हुई कुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो ललना डाल हुई कुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो हवे जैसे बाबूजी के अखिया माई के नकिया त हवे जैसे बाबूजी के अखिया माई के ललना मुहला चनवा सूरज वात सगरो की जोर बेल हो ललना मुहला चनवा सूरज वात सगरो की जोर बेल हो जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल ललना डाल हुई कुलवा के दीपक मनवा में आस जागल ललना डाल हुई कुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो अन धन लुटावे लीगो सासु सुहागिन बड़ भागिन अन धन लुटावे लीगो ललना तुअरा पे बाजेला पथैया आंगनवा उठे सोहार हो ललना तुअरा पे बाजेला पथैया आंगनवा उठे सोहार जुग जुग जिया सु ललनवा भवनवा के भाग जागल हो जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो लरना डाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो लरना डाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो लरना डाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो लरना डाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। चार संत किसी पेड़ के नीचे बैठ के आपस में कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। चारों संत का अपना अपना अलग अलग मत था, अपना अलग अलग विचार था। चारों संत का विचार इस भजन के माध्यम से सुना जाए और गुना जाए कि हम किस संत के श्रेणी में हैं। जरा शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कहते हैं यही समझ का यही समझ का
फेरा रे साधो यही समझ का फेरा, यही समझ का फेरा रे साधो यही समझ का फेरा। समझ का फेर है। पहला संत अपना विचार देने के लिए खड़ा हुआ। पहला संत क्या कह रहा है, पहला संत का क्या मानना है, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला संत विचार के बोले सब कुछ मेरा मेरा, पहला संत विचार के बोले सब कुछ मेरा मेरा, जो मेरा वो मेरा है साधो, जो मेरा वो मेरा है ही, जो तेरा वो भी मेरा रे साधो यही समझ का फेरा, यही समझ का फेरा रे साधो यही समझ का फेरा। पहला संत का मानना है कि भैया देखो जो मेरी संपत्ति है वो तो है ही, मेरी ही है। मैं चाहता हूँ कि दूसरे की जो संपत्ति है वो भी मेरी हो जाती तो कितनी अच्छी बात होती, मैं उसी में खुश रहता हूँ। लेकिन दूसरे संत ने कहा कि भैया तुम तो संत हो ही नहीं। दूसरा संत खड़ा हुआ और अपना विचार प्रस्तुत करते हुए कहा, दूजा संत भये कुछ ज्ञानी जाने जग का बखेड़ा, दूजा संत भये कुछ ज्ञानी जाने जग का बखेड़ा, जो तेरा वो तेरा है साधो, जो तेरा वो तेरा है साधो, जो मेरा वो मेरा रे साधो यही समझ का फेरा, यही समझ का फेरा रे साधो यही समझ का फेरा। कहते हैं कि जो तुम्हारी संपत्ति है वो तुम्हारी है, जो मेरी है वो मेरी है। ना मैं तुमको कुछ दूंगा और ना मैं तुमसे कुछ लूंगा, मैं इसी में खुश रहता हूँ। लेकिन तीसरा संत खड़ा हुआ, उसने कहा कि भैया तुम दोनों गलत हो। तो तीसरा संत क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। तीजा संत भये कुछ ज्ञानी जाने जग का बखेड़ा, तीजा संत भये कुछ ज्ञानी जाने जग का बखेड़ा, जो तेरा वो तेरा है साधो, जो तेरा वो तेरा है साधो, जो मेरा वो भी तेरा रे साधो यही समझ का फेरा, यही समझ का फेरा रे साधो यही समझ का फेरा। और तीसरे ने कहा, पहले ने कहा कि भैया जो मेरी संपत्ति है वो मेरी है ही, जो तुम्हारी है जो दूसरे की है मुझे तो उसका भी हड़पने में ज्यादा मजा आता है, आनंद आता है। दूसरे ने कहा कि देखो भैया ये मनुष्य का लक्षण नहीं है, संत तो छोड़ो। दूसरे ने कहा कि मैं तो खुश रहता हूँ कि जो मेरी संपत्ति है वो मेरी है ही, जो दूसरे की है वो दूसरे की है, ना मैं किसी से कुछ लेता हूँ ना मैं किसी को कुछ देता हूँ। लेकिन तीसरे ने कहा कि देखो मेरा तो मानना है कि जो तुम्हारी संपत्ति है वो तो तुम्हारी है ही, और जब जरूरत पड़े तो मेरी संपत्ति को भी तुम ले सकते हो, मेरी संपत्ति भी तुम्हारी है। लेकिन चौथे संत खड़े हुए, उन्होंने कहा कि भैया तुम तीनों गलत हो। चौथा क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। चौथा संत भये कुछ ज्ञानी जाने जग का झमेला, चौथा संत भये कुछ ज्ञानी जाने जग का झमेला, ज्ञानी संत
विचार के बोले, ज्ञानी संत विचार के बोले, अरे ना तेरा ना मेरा रे साधु यही समझ का फेरा, यही समझ का फेरा रे साधु यही समझ का फेरा। ज्ञानी संत विचार के बोले, ना तेरा ना मेरा रे साधु यही समझ का फेरा। अब देखिए वो चारों संत हैं कौन, जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। सभी संत हैं इसी भीड़ में, सबका यही बखेड़ा। सभी संत हैं इसी भीड़ में, सबका यही बखेड़ा। कहे फणी विचार कर खुद ही, कहे फणी विचार कर खुद ही, किस में नाम है तेरा रे साधु यही समझ का फेरा, यही समझ का फेरा, यही समझ का फेरा रे साधु यही समझ का फेरा, यही समझ का फेरा, यही समझ का फेरा, यही समझ का फेरा। क्या क्या किया है तू जना, वहां सब हिसाब है। क्या क्या किया है तू जना, वहां सब हिसाब है। अच्छा किया या खराब, वहाँ सब हिसाब है। क्या क्या किया है तू जना, वहाँ सब हिसाब है। अदालत यहाँ एक अदालत वहाँ, एक 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 अदालत यहाँ एक अदालत वहाँ। यहाँ की अदालत में तो आप वकील से लेके जज तक खरीद लेंगे, लेकिन वहां के अदालत में सोच के रखो, सोच के रखो तू, सोच के रखो तू जवाब, वहां सब हिसाब है। सोच के रखो तू जवाब, वहां सब हिसाब है। अच्छा किया या खराब, वहाँ सब हिसाब है। क्या क्या किया है तू जना, वहाँ सब हिसाब है। शब्दों में जरा ध्यान दीजिएगा। जीव सुख के लिए जीव का वध किया, जीव सुख के लिए जीव का वध किया,
जीवा सुख के लिए जीव का वध किया, जीवा सुख के लिए जीव का वध किया, जीवा सुख के लिए जीव का वध किया। लेकिन जितना चबाए वो हम लोग अपने जीवा सुख के लिए, थोड़ी देर के सुख के लिए। कल सावन खत्म हुआ है, आज कल से आप देख लीजिए हालत बाजार से लेके घर तक का क्या रहता है। लेकिन कहते हैं कि जीवा सुख के लिए जीव का वध किया, लेकिन जितना चबाए वो, जितना चबाए वो कबाब, वहां सब हिसाब है। जितना चबाए वो कबाब, वहां सब हिसाब है। अच्छा किया या खराब, वहां सब हिसाब है। क्या क्या किया है तुम जना, वहां सब हिसाब है। गुनाह करता था जब लगा सुनसान है। जब हम लोग कोई गुनाह करते हैं, कोई दुष्कर्म करते हैं, तो ऐसा लगता है कि सुनसान है, कोई नहीं देख रहा है। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, गुनाह करता था जब लगा सुनसान है, गुनाह करता था जब लगा सुनसान है, गुनाह करता था जब लगा सुनसान है, गुनाह करता था जब लगा सुनसान है। लेकिन देख रहा था, देख रहा था, देख रहा था आफताब, वहां सब हिसाब है। देख रहा था आफताब, वहां सब हिसाब है। क्या क्या किया है तू जना, वहां सब हिसाब है। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं वहां रिश्वत भला किसको दोगे फणी, 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 वहां रिश्वत भला किसको दोगे फणी। बहुत बहुत शुक्रिया। वहां रिश्वत भला किसको दोगे फणी, पेड़ पौधा भी है, पेड़ पौधा भी है गवाह, वहां सब हिसाब है। पेड़ पौधा भी है गवाह, वहां सब हिसाब है। अच्छा किया खर
पता वहां सब हिसाब है क्या क्या किया है तू जना वहां सब हिसाब है 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 जग में पांच पति व्रतन हरी 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 जग में पांच प्रकार की पतिव्रता नारी होती है। देखिए पहली पतिव्रता नारी कैसी है जरा ध्यान दीजिएगा शब्दों पे। एक पतिव्रता ऐसी है भाई एक पतिव्रता ऐसी है भाई सोए पैर पसारी एक पतिव्रता ऐसी है भाई सोए पैर पसारी एक पतिव्रता नारी ऐसी है भाई कि सोए पैर पसारी 10 बजे दिन तक सोते रहती है लेकिन जब पति कहता है कि अब बहुत समय हो गया है उठ जाओ तो होता क्या है जरा देखा जाए। उल्टे पति पे हुक्म चलाए उल्टे पति पे हुक्म चलाए घिन घिन देते गारी जग में पांच पति व्रता नारी जग में पांच पति व्रता नारी देखिए दूसरी पतिव्रता नारी कैसी है जरा ध्यान दीजिएगा। दूजा कर श्रृंगार द्वार पर दूजा कर श्रृंगार द्वार पर चहु दिशारत निहारी अपने पति से डपट के बोले अपने पति से डपट के बोले करे गैर से यारी जग में पांच पति व्रत नारी जग में पांच पति व्रत नारी कहते कि अपने पति से डपट के बोले करे गैर से यारी लेकिन तीसरी पतिव्रता नारी जरा ध्यान दीजिएगा। तीजे का अभिमान है ऐसा तीजे का अभिमान है ऐसा अनुसुईया पे मारी मौका मिले यार संग मिलके मौका मिले यार संग मिलके गर्दन देत ससारी जग में पांच पति व्रत नारी जग में पांच पति व्रत नारी और अब जरा चौथे पतिव्रत नारी के बारे में सुनिए बड़ा सुंदर भाव है भजन का। चौथे सकल जगत को समझे चौथे सकल
जगत को समझे पिता बंधु मातारी प्रेम करे बस एक पति से प्रेम करे बस एक पति से दोनों कुल को तारी जग में पांच पति व्रत नारी जग में पांच पति व्रत नारी चौथी जो प्रतिव्रता नारी है कहते हैं कि प्रेम करे बस एक पति से दोनों कुल का उद्धार हो जाता है ना। लेकिन ये तो सिर्फ प्रेम की बात है, पति को पति समझती है, लेकिन यहाँ पर चाहे पति कैसा भी हो, लुल्ला लगड़ा कोड़ी कैसा भी हो, लेकिन पति को ईश्वर समझने वाली पत्नी के लिए हमारे गुरु जी लिखते हैं, पांचवा माने पति परमेश्वर, पांचवा माने पति परमेश्वर, लुल्ला लंगड़ा कोढ़ी ईश्वर समझ करे पति सेवा, ईश्वर समझ करे पति सेवा, तब त्रिवेदी हरी जग में पांच पति व्रत नारी जग में पांच पति व्रत नारी। लेकिन ये पतिव्रता नारी ऐसे नहीं मिल जाती हैं, जरा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, जन्म जन्म के पुण्य उदय से, जन्म जन्म के पुण्य उदय से मिले सावित्री नारी, कहे फणी जो कहे फणी जो लिखा पिताता, कहे फणी जो लिखा पिताता, हुई है गति तुम्हारी जग में पांच पति व्रत नारी जग में पांच पति व्रत नारी जग में पांच पति व्रत पांच पति व्रता पांच पति व्रता नारी।